वालेकुम एवरीवन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनुषे खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नहले पे दहला। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी में। आप सबको याद हो ही गया होगा इस जगह का नाम, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहीं पे पाई जाती हूं। तो यहां पर मौजूद लोग करेंगे कॉमन सेंस का एक छोटा सा टेस्ट। आज का सवाल है बहुत ही ज़्यादा ईजी कि आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि पढ़ने में लिखने में आता हूँ मैं काम, ना पेन हूँ ना पेपर हूँ, बताओ क्या है मेरा नाम। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आखिर वो क्या चीज़ हो सकती है। यहाँ पर मौजूद लोगों से मैं खुद चलकर पूछूंगी और इसके अलावा उनका टैलेंट आपके सामने लेकर आएंगे, उनसे गपशप करेंगे, चिट चैट करेंगे और कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवा लेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे कॉमन सेंस के सवाल करेंगे। तो आइए चलते हैं लोगों की जानिब और देखते हैं कि वो कितने टैलेंटेड हैं। आइए, व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल के एक शाहीन, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? मोहम्मद अली हसन। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? DHM में ऑफिस बॉय। अच्छा, वेरी गुड। आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिलने आया था कज़न को। कज़न को मिलने आया? तो आप इतने कमज़ोर क्यों हैं मेरी तरह? नहीं, कमज़ोर नहीं, वैसे टेंशन होती है। टेंशन होती है? हाँ, कमज़ोर ठीक होता है, आदमी भाग सकता है, मोटा भाग नहीं सकता। मोटा नहीं भाग सकता, ये तो आपने सही कहा। मतलब हम दोनों ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हैं। परफेक्ट है। मोटा नहीं होना चाहिए हमें? नहीं नहीं नहीं, की बात इतना भी नहीं होना चाहिए कि आदमी भाग नहीं सके, इतना होना चाहिए आदमी ठीक हो जी। क्या टेंशन चल रही है आपकी लाइफ में? अभी तो आप जवान है, यंग है। कोई टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं। की बात ये है, आपके प्रदेश में रह रहे हैं, चिन्योट का हूँ, लाहौर में रह रहा हूँ। चिन्योट के जी, फर्नीचर तो बड़ा जबरदस्त होता है वहाँ। आप आ जाए, ले देंगे आपको। ले देंगे? क्यों, आप मुझे क्यों लेके देंगे? आप अपने पैसे भरेंगे, हम वहाँ से आपको सही ले देंगे। अच्छा, पैसे मेरे अपने होंगे? हाँ, पैसे आपके अपने होंगे, वहाँ पे खरीदारी साथ होके करवाएंगे। अच्छा, मतलब मुझे थोड़ा सा आप करेंगे कि क्या कहते हैं उसको, थोड़ी बचत करवाएंगे मेरे पैसों की? बचत करवा देंगे, डिस्काउंट लेके देंगे। डिस्काउंट तलक वाले के पास लेके जाएंगे कि लाहौर से मेहमान है, इन्होंने लेना। आप हम लोग इससे आज़म तो थोड़ी है। बिल्कुल, ऐसे बड़े मजे की बातें करते हैं। मुझे पता है क्या कुछ चल रहा है जिंदगी में? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो ड्यूटी है सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, फिर फारिग होता हूँ। वहाँ पे बॉस आ जाते हैं, बैठते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं 9 बजे 10 बजे। मुझे बताया लिबर्टी में देखे इतने लोग आए हुए, घूम फिर रहे, मजे कर रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता इनको देख के क्या खुशियाँ चढ़ी हुई हैं लोगों को, जो आते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं? ये बात सिर्फ पैसे की है, जिनके पास पैसे वो घूमते हैं, हमारे पर नहीं होंगे। हम तो वहाँ पे DH ऑफिस में पड़े रहेंगे, नहीं बाहर जाना नहीं। मतलब आज आपके पास पैसे आए हुए जो आप बाहर आए हैं? नहीं, पैसे नहीं है, मैं कजन को मिलने आया था। अच्छा, कजन को मिलने आए थे, उसके पास पैसे हैं? उसके पास पैसे तो हैं, उनकी शॉप है यहाँ पे, उनके पास तो पैसे होंगे। अच्छा, कोई आपको बताता है कि आप बड़े मजे की बातें करते हैं? ये मेरे घर वाले बताते हैं। बताते हैं? हाँ बताते हैं, दोस्त भी कहते हैं भाई तुम्हारे पास टैलेंट है कि आप पहली मुलाकात में उसको दोस्त बना सकते हो। दोस्त बना सकते? हाँ। अच्छा, मुझे बताएं घर वालों की याद नहीं आती? बहुत याद आती है। पहले तो मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, मियां गुलाम शबीर साहब, उनकी बहुत याद आती है मुझे। याद तो पेरेंट्स की याद नहीं आती, भाई बहन की नहीं आती, दोस्त की आती? चाचू भी हैं और वालिद साहब की तो याद आती आती, पर वो दोस्त हैं, उनके साथ एक लम्हा गुजरा हुआ है। तो कौन सा लम्हा है जो उनके साथ गुजरा और वो याद आता है? वो एक सिगरेट लम्हा है, वो एक सीक्रेट लम्हा है जी। ना आप बताएं, आप बिल्कुल सही, आपकी पर्सनल लाइफ है। एक सवाल करें आपसे? जी करें। बहुत आसान सा सवाल करूंगी, आप मुझे बताइए वैसा कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता? इसमें खून नहीं होता, ऐसा तो अल्लाह पाक ने कोई एक जानवर नहीं बनाया इंसान में। जानवर नहीं, जानदार। जानदार खून उस वक्त नहीं होता जब आदमी को मोहब्बत होती है, तो सारा खून वो ले जाती है, उस वक्त आदमी को खून नहीं होता। मुझे आप बीमार लग रहे हैं, मोहब्बत में मुब्तला लग रहे हैं। खून उस वक्त नहीं होता, खून तो है, आप जैसी आती हैं निचोड़ के सारा ले जाती हैं। मेरे पे ना इल्जाम लगाए, मैं तो सिर्फ इंटरव्यू करने आई हूँ आपका। करें आप, करें, आपने सवाल ये सब पूछा, इंसान आदमी जो जानदार है इंसान, उसमें तो खून होता ही होता, होता ही होता है। चले मैं आपको हिंट देती हूँ, इतनी आप दुख भरी दास्तान ना आप नहीं खोले, हिंट देती हूँ, वो कोई हशरात है। हशरात? इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है। अच्छा, कीड़ा। लड़कियों को तो आप कीड़ा मकोड़ा कहने से रहे। चुंटी होगी? चुंटी? हाँ। चिन्योर से चुंटी? नहीं, गलत जवाब है। क्या शेयर करेंगे टैलेंट क्या आपका, हुनर क्या है? टैलेंट तो कुछ भी नहीं, बस। कोई गाना आता आपको? गाना नहीं है। नहीं आता? कोई शेरो शायरी से लगा हुआ है? शेरो से लगा हुआ भी नहीं। नहीं है, तो क्या सुनाएंगे फिर हमें, देखने वालों को? बड़े मजे की आप बातें कर रहे थे, कुछ सुना दे अच्छा सा। कोई सिंगर तो नहीं है वैसे? मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चिनियोटी हूँ। चिनियोटी होने के? चिनियोटी हूँ। चिनियोटी होते आपकी जुबान वहाँ क्या बोली जाती है?
पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी में कोई गाना सुना दे। वो आपको समझ नहीं आएगा। मैं समझ लेती हूँ, मैं बहुत चलाक हूँ। ठीक है, वाजिद अली बगदादी का सॉन्ग एक नया ही आया है, तो लेंदे नहीं ऐसा यारियां फायदा टके दा नहीं, लोग मरे सिन ताड़ियां फायदा टके दा नहीं, लेंदे नहीं ऐसा यारियां। बस यही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहें? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करना जानते हैं और पाकिस्तान बाहर वाली कंट्री से अच्छा है। नरान का गाना अच्छा है, इससे कोई खूबसूरती नहीं जो बाहर में है। पाकिस्तान में जो खूबसूरती है वो अल्लाह की बनाई खूबसूरती है, हमें पाकिस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान का नाम बुलंद करना चाहिए। बस बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, नारायण का गान बहुत अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके पसंदीदा जानू बाबा, हमारे भी पसंदीदा हैं। आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं, इनका टैलेंट का तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे भी इनका टैलेंट जरा निकालते हैं, निकलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? जी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा 8 बजे ही है। क्या करें आज यहाँ पे? मैं प्रोग्राम ही कर रहा हूँ थोड़े वांगू, मैं देखिया कि खज्जल हो रही है धी मेरी, तो मैं जाया रब दी सौ जिमें पाटा नोट खोटा नोट, मैं दुकानदार को वापस आंदा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सबका इंटरव्यू करते हैं, आज हम आपका इंटरव्यू करें, मुझे बताएं बचपन कैसा था जानू बाबा का? सब तो बड़ी गल है कि बचपन सारे ते आंदा है, तो बचपन सब तो खूबसूरत लम्हात ने जिहड़ा मापिया नाल भैणा भरावां नाल अपने घर वालियां नाल हुंदा है। उस बाद जवानी च इंसान वावरोले वांगू उड़ जाता है, तो जिवें नेर जी छप्पर उड़ रहा हुंदा है इंज बंदा उड़ रहा हुंदा है, तो बचपन सब तो खूबसूरत चीज़ है जिहड़ी कि चाइल्डहुड जिहड़ी है इट रिमेन्स टिल योर डैथ इन योर मैमोरीज। चलें कोई पर्सनल सवाल पूछने लगी हूँ आपसे, ठीक है, मुझे ये बताइए बचपन में कभी किसी पे क्रश हुआ आपको, मतलब जिसे कहते हैं बचपन का प्यार? मैं मेरा पुत्र जिंदगी से ऑन कैमरा गल कर रहा हूँ, क्रश क्रुश कोई नहीं होया, जो भी होया क्रश अल्लाह की मेहरबानी नाल मेरा सेर ही होया, तो बाकी रह गई गल क्रश होने की। जिंदगी दे विच ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, जिंदगी में एक ही प्यार किया है, एक ही इश्क किया है और वही मेरी बीवी है। माशाल्लाह, मतलब लव मैरिज थी आपकी? ते होर की, मेरा मतलब मल्ले ने धक्के शाही कराई है। किसने पसंद किया पहले, उन्होंने आपको या आपने उनको? ये आपको बता, मैं जवानी में बड़ा खूबसूरत था, हैंडसम था, बाल थे आपके? जवानी जो मेरे बाल है गए सन, मैंने कड़ा सरसाम होया, मेरे बाल थे जवानी में, ये तो मैंने अब आके अपना स्टाइल जो है वो अमरीशपुरी टाइप बनाया है। बिल्कुल सही, आप ऐसे भी अच्छे लगते हैं जवानी में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। सवाल करें आपसे जी, अगे की करंडा इसमें मेरे नाल? नहीं, मतलब अभी कॉमन सेंस का सवाल करने लगे। कर लो, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता? कौन सा जानदार है जिसमें खून नहीं होता? मेरा नाम ना लीजिएगा, मैं जानदार हूँ लेकिन मुझमें खून है। यकीन करना, जानदार है खून नहीं है। पहली बार। जरासीम? जरासीम में खून नहीं होता। हाँ, जरासीम तो नजर ही नहीं आता। नजर नहीं आता पुत्र, खुर्दबीन ला लो। हाँ, उसमें आता नहीं हो, उसमें खून नहीं होता। खून नहीं होता उसमें? Exactly. बिल्कुल सही है, तो आपको लगता है सही जवाब है? मेरा तो ख्याल पुत्र सही जवाब। और कौन कौन सी चीजें, ऐसे कौन से जानदार है जिनमें खून नहीं पाया जाता जरासीम के अलावा? पुत्र असल गल ये कि मैं टाइम से रोटी नहीं खाधी, यकीन कर मेरे मेदे के हालात बड़े खराब ने, उधर मौसम के हालात बड़े खराब ने, उधर जेब के हालात बड़े खराब ने, लंगर पानी में कीता कोई नहीं, तो मेरी मेमोरी जड़ी है बिल्कुल डिलीट हो गई है, नथी हो गई है, मिट्टी हो गई है, शीशा हो गई है, पुरनम हो गई है। आंसू आ गए मेरी आंखों में आपकी दुख भरी दास्तान सुन के। अच्छा मुझे ये बताइए कोई सॉन्ग सुना दे हमें, अच्छा सा सॉन्ग सुना दूं? पक्की गल है, तुझसे पहले जो तमन्ना थी वही है अब तक, तुझसे पहले जो तमन्ना थी वही है अब तक, तुझको पाकर भी किसी शह की कमी है अब तक, तुझसे पहले जो तमन्ना थी वही है अब तक, तुझको पाकर भी किसी शह की कमी है अब तक। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत आवाज़ है आपकी, ये हमारे साथ है जानू बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं सिर्फ इतना पैगाम दूंगा, रब का वास्ता जे कि किसी नाल ज़्यादती ना करो, किसी नाल धोखा ना करो, किसी नाल ध्रोह ना करो, इंसान के पुत्र बन जाओ, कोशिश करो कि तुहाडी वजह नाल किसी दीआं होंठां दे उत्ते मुस्कुराहट आ जाए, किसी दीआं अखां दे विच अथरू ना आवे, किसी नाल फराड ना करो, ज़्यादती ना करो, चीटिंग ना करो, धोखा ना करो, तो जिथे रवो रज के खाओ, हलाल का खाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जानी राजा। जानी राजा जी। माशाल्लाह, किसके राजा हैं आप जी? किसके राजा हैं? लाहौर। लाहौर। लाहौर के राजा हैं जी? लाहौर से ही हैं जी? नहीं, वैसे मैं कश्मीर को लगे, इधर ही रहता हूं। कश्मीर का है जी? जी। माशाल्लाह, भाई मिले हैं। तो मुझे ये बताइए, कैसे आना हुआ यहाँ पे लाहौर में? बस इधर ही रहते हैं, पहले कश्मीर में थे, अब इधर ही हैं। अब इधर ही सेटल्ड हैं, सारा कुछ यहीं पे है, फैमिली भी इधर ही है जी? जी बिल्कुल। लिबर्टी कैसे आना हुआ आज? बस वैसे ही घूम फिरने लगे, मैंने कहा बैठा था वैसे ही, मैंने कहा चलो घूम फिर आते हैं। घूम के आते हैं। अच्छा, क्या हॉबीज है, क्या करना पसंद है आपको? बस कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अपनी लाइफ में उदास, परेशान है बस वैसे। उदास है जी? जी बिल्कुल। क्यों? एक गर्मी तंग की है, एक लड़कियों ने तंग किया है। लड़कियों ने क्या तंग किया है? लाहौर की जैसी ही है बस, क्या कह सकते हैं। लाहौर की लड़कियों ने तंग किया? कश्मीर की लड़कियाँ अच्छी हैं? नहीं, वो भी हैं, लड़की तो लड़की है, लड़की तो लड़की होती है, चाहे कश्मीर की हो, लाहौर की हो, की हो। तंग किया उन्होंने? ज़ाहिर ही पता है। ज़्यादा किसने तंग किया, लाहौर की लड़कियों ने या कश्मीरी ने? जो भी हो, जो भी हो जी, मतलब दिल तोड़ देती हैं हर कोई। ज़ाहिर ही बात है, ज़ाहिर ही बात है। वैसे क्या करते हैं आप? मैं इधर वैसे ही घूमने फिरने के लिए, वैसे घर। वैसे जिंदगी का मकसद क्या है, घर में क्या करते हैं? घर में कुछ नहीं, बस घर का काम वगैरह, घर के काम करते हैं। अब बाहर से सामान वगैरह अपना ला दिया, ये वो। अच्छा, मतलब वो वाले बच्चे हैं कि जो घर का सामान होता है बाहर से वो ले आते हैं, तो कोई नौकरी नहीं करनी? नहीं करनी है, लेकिन अभी आया भाई, आया बड़ा, अभी बड़ा भाई है, तो अब मौजे कर रहे हैं, मौजे उड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही है। सवाल करें एक छोटा सा। नमस्कार लें। चले, सवाल बहुत इजी, आपने मुझे ये बताना है, ठीक है? मैं पहेली पूछने लगी हूँ आपसे। पढ़ने में लिखने में आती है काम, ना पेन है ना पेपर है, बताओ क्या है मेरा नाम? फिर दोबारा रिपीट करें। पढ़ने में लिखने में आती है काम, ना पेन है ना पेपर है, बताओ क्या है मेरा नाम? ऑप्शन। मतलब वो क्या चीज़ है जो पढ़ने और लिखने में काम आती है, लेकिन नहीं वो पेपर है ना ही वो पेन है, वो क्या चीज़ है? कोई ऑप्शन तो बताएं ना, मतलब ऑप्शन। आप बिग बॉस खेल रहे हैं? नहीं, वो खेल रहे हैं, वो करोड़पति। इस तरह तो नहीं है ऑप्शन, तो कोई इस तरह तो नहीं, ऑप्शन तो नहीं है ना। नहीं नहीं, इस तरह कश्मीरी जुबान में कुछ सुनाएंगे हमें? लाहौर में सुना देता हूँ। नहीं नहीं, हम कश्मीरी में सुनेंगे। कश्मीरी में समझ नहीं आएगी। मैं समझ जाऊंगी कश्मीरी। एक शेर सुना देता हूँ आपके लिए। जी जी, मेरे लिए सुनाइए। समुंदर इतना गहरा है जिसका कोई किनारा नहीं। कश्मीरी विच? कश्मीरी सुना इस तरह? नहीं नहीं, मैं तो कश्मीरी सुन के जाऊंगी। आते ही नहीं कश्मीरी? मैं खुद कश्मीरी हूँ, तुसी मैंने कश्मीरी विच दसो। मैं रावलाकोट दी हां। मैं मुजफ्फराबाद दा। तो कश्मीरी विच गल करो, हुन पंजाबी बोल रही हां मैं, कश्मीरी मेनू भी नहीं आंदी, मैं सुन लेंदी हां। कश्मीरी दे विच कुछ सुना दो। कश्मीरी विच आंदा ही कोई नहीं है। गाना सुना दे अपनी कश्मीरी का। कश्मीरी नहीं आंदा ना? नहीं आंदा, बस लाहौर में रह के पंजाबी हो गए, प्योर पंजाबी हो गए, कोई हाल नहीं। सुनो सलीका, ये तुमने पर्दे का बड़ा अलमोर रखा है, यही निगाहें कातिल हैं और इन्हीं को खो रखा है। बस हो गया, शेर था, हो गया। कोई पैगाम देना चाहे देखने वालों को? यही कहूँगा कि लड़कियों को लड़कों को तंग ना किया करें, बस सिंपल सी बात है। शरीफ लड़के माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं छोटू सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम।